बताया है कि क्लस्टर के लिए जाना है तो व्हाट आर द रेजोल्यूशंस टू बी पास्ड, डिफाइंड कि क्लस्टर में हम सोसाइटी जा रही है तो पर्टिकुलर उन्होंने उनका टोटल प्लॉट एरिया पर्टिकुलर कुछ स्क्वायर मीटर होना चाहिए या नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी सो मेनी दो देन यू कैन मूव ऑन क्लस्टर. एंड ऑल्सो हमने सुना है कि DCPR में भी एक क्लस्टर पॉलिसी है अपना डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस में. तो आप प्लीज ये दोनों चीजों पे लाइट दीजिए ना कि कैसे ये अलग है एंड हाउ कैन यू गो अबाउट इट. क्लस्टर में 79 गाइडलाइंस में ऐसे नंबर ऑफ सोसाइटीज का कोई नहीं दिया हुआ है, बट क्लस्टर में कि आप जॉइंट डेवलपमेंट कर सकते हो। बेसिकली इट इज बेसिकली जॉइंट डेवलपमेंट, और फेडरेशन के अंडर में आप ये जॉइंट डेवलपमेंट कर सकते हो। आइदर यू गो विद क्लस्टर पॉलिसी ऑफ BMC, जो BMC का अंडर सेक्शन 33(9) में है, वो कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। नॉर्मल पॉलिसी में भी आप जा सकते हैं, बट दिस इज गाइडलाइंस टू मेक अ रीडेवलपमेंट का प्रोसीजर आगे बढ़ाने के लिए। बट फॉर 33(9) यू विल रिक्वायर इन सबअर्ब आपको 6,000 स्क्वायर मीटर चाहिए, एंड इन टाउन अगर आप सायन आइलैंड सिटी में हैं तो सायन एंड बैंड्रा से आगे अगर आप हैं, माइम से आगे हैं, तो आपको 4,000 मीटर मिनिमम आपको जगह चाहिए, प्लॉट एरिया होना चाहिए फॉर गेटिंग दैट क्लस्टर का पॉलिसी। अदरवाइज यू कैन गो विथ ज्यादा भी है, एंड आप नॉर्मल पॉलिसी में दूसरे कोई पॉलिसी में भी जा सकते हैं, बट फॉर क्लस्टर दिस इज द रिक्वायरमेंट, एंड 18 मीटर का रोड होना चाहिए क्लस्टर के पॉलिसी में। और एक दूसरा एक कंडीशन है कि इट शुड बी ऑन 18 मीटर रोड, तो वो जरूरी नहीं है कि आपका हर बार 18 मीटर रोड पे आपका प्लॉट आए एंड यू कैन गो फॉर क्लस्टर। सो अगर आपका कम छोटा रोड पे भी है देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर क्लस्टर। दिस इज फॉर गोइंग टुगेदर, जॉइंट डेवलपमेंट के हिसाब से फेडरेशन है, तो फेडरेशन के हिसाब से दिस आर द कंडीशंस।